ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको क्या प्रॉब्लम, स्टार्ट नहीं हो रहा है, पिकअप नहीं हो रहा है। देखिए इधर में जो नोजल का वायर लगा हुआ है, देखिए तेल का नोजल का, ये टूट गया है। तो ये नया गाड़ी है, आप सोचिएगा ऐसे ये कैसे टूटेगा। ऊपर में देखिए काला वाला जो है उसको अंदर रहता है, तो ये जार्किन खाने का बाद ये टूट जाता है, थोड़ा लगा हुआ है तो उसका प्रॉब्लम। ये टूट जाने से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, पिकअप नहीं हो रहा है। तो इधर ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ख़तरा प्रॉब्लम है। ये काला वाला से ये डाकन का नीचे रहता है, इसका मुड़ी से ये काट गया है। तो मैं सब कुछ देखा है, प्लग्स लाग जो भी सब सामान खुल के देखा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, टंकी टंकी सब खुल के देखा रहा है। तो ये नोजल का वायर टूटा हुआ है, ये काला वाला जो उसका अंदर में रहता है, इसका मुड़ी से ये काट गया है। तो आपका गाड़ी में ऐसा दिक्कत होगा तो स्टार्ट नहीं होगा, पिकअप हो स्टार्ट होता है, एस्केलेटर पकड़ने का बाद स्टार्ट ऑफ हो जाता है। तो नोजल तेल नहीं मर रहा है, उसका वायर टूटा हुआ है। तो इसका लिए आप उसको ये वायर को आप अच्छा से देखना है। जब आपका गाड़ी भी ऐसा प्रॉब्लम करेगा, ये नोजल का जो वायर है उसको देखना आपको। ये टूटा होने से भी आपका ये प्रॉब्लम, जितना भी सामान चेंज कर लो ये BS6 में, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो उसका लिए मैं ये वीडियो बनाया आप लोग के लिए। कोई कोई टाइम बहुत सामान चेक किया है तो प्रॉब्लम नहीं मिला है, तो ये वायर आप ज़रूर चेक करना है। तो उसका बाद हम वायर लगाने के बाद आवाज़ सुनिए स्टार्ट किया है, तो आवाज़ सुनिए, पहले स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी तो स्टार्ट हो गया है।